सभी किसान भाइयों को राम राम। ये देखिए, मैंने सफ़ेद मूसली की जो खेती है, ये अपने खेत में सफ़ेद मूसली लगाई थी, आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। सफ़ेद मूसली किस काम आती है और इसकी कैसे ये उगाई जाती है और आपको कितना क्या प्रॉफिट ये दे सकती है। सफ़ेद मूसली जो है जुलाई अगस्त हाफ जुलाई के बाद ये लगाई जाती है और ये नवंबर के फर्स्ट वीक में इसकी खुदाई हो जाती है सफ़ेद मूसली की। ये मैंने जुलाई के एंड में ये मैंने लगाई थी और ये देखिए ऐसे जो खूड होते हैं, मोटे जो खूड होते हैं उनके ऊपर लगाई जाती है। दो इंच मैक्सिमम गहरी इसकी बुवाई होती है और उसके बाद ये ऐसे 10-15 दिन लग जाते हैं, उग जाती है ये 10-15 दिन के बाद। और ये देखिए ऐसी होती है, बिल्कुल एक चौड़े पत्ता होता है इसका। और एक ख़ास बात ये है, इसमें किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड, किसी भी कोई भी दवाइयाँ, किसी तरह का रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें गोबर की खाद डाली जाती है अच्छी पैदावार लेने के लिए। और जो दोमट मिट्टी होती है वो इसके लिए उपयोगी होती है, उसमें इसकी पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी सिंचाई की। सफ़ेद मूसली एक बार लगाने के बाद ये उग जाती है 10-15 दिन में। उगने के बाद 15-20 दिन के अंतराल पर एक एक पानी दिया जाता है। और ये मैंने अब इसकी खुदाई की थी, ये देखिए ज़मीन से एक एक जो खूड होता है वो कल्टीवेटर से मैंने उसको एक एक खूड को कल्टीवेटर से उखाड़ा था और हर एक खूड को साथ साथ इसको इकट्ठा कर लिया था। ये देखिए जो इसकी जो जड़ें हैं, जड़ों में लगती है ये और ऐसे इसकी पैदावार भी जो है वो अच्छी ठीक ठाक पैदावार अच्छी होगी। और इसकी इसका रेट वगैरह है और इसकी कैसे छिलाई की जाती है, बाज़ार में कहाँ बिकती है, इसके बारे में मैंने आगे बता रखा है। और इसको कैसे छीला जाता है, इसके जो छीलने के लिए थोड़ी मेहनत लगती है छीलने में, और इसकी जो छिलाई होती है वो जैसे ज़मीन से आप निकालते हो तो साथ साथ करनी पड़ती है, बाद में इसकी छिलाई नहीं हो पाती। और इसको कैसे छीला जाता है और ये कहाँ बिकती है और क्या क्या भाव है, ये सभी आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैंने इसके बारे में आगे कैसे छीली जाती है और अगर यदि आपने पूरी निकाल ली तो इसको मिट्टी में दोबारा दबा दो, 3-4 दिन निकालने के बाद दोबारा छील लो। आपको सफ़ेद मूसली को छीलने के बारे में बताऊंगा, इसका छिलका जो है कैसे उतारा जाता है। ये देखिए सफ़ेद मूसली जो ज़मीन से निकालने के बाद इसका छिलका अपने आप आसानी से उतर जाता है। जैसे ही आप हल्का सा इसको रगड़ोगे, देखिए आपको जैसा दिखाई दे रहा है वीडियो में, हल्का सा रगड़ते ही उतर जाता है। एक बात का ध्यान रखना है, इसका जो छिलका है वो जैसे ही ज़मीन से आप निकालते हो, इसको खोदते हो तभी उतरता है, उसके बाद यदि आप लेट हो जाते हो तो इसका छिलका नहीं उतरता। और यह छिलका उतरने के बाद ही बिक्री के लिए तैयार होती है। इसका ऐसे छिलका उतार के और इसको पानी में धो के और आपको सुखानी है, 2-3 दिन सुखानी है इसको। और एक बात ध्यान रखनी है, आप इसको सुखाओ लेकिन वो धूप में ना सुखाएं, छांव में मकान के अंदर वहीं सुखाएं और फिर इसको रख दो। और ये तब ऐसे छिलने के बाद ये ऐसी सफ़ेद हो जाती, ऐसी निकल आती है बिल्कुल छिलने के बाद, आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ये तैयार माल है, ये बिक्री के लिए तैयार हो जाता है अब। और इसका जो भाव है, ये दिल्ली में खारी बावरी जो जगह है जहाँ पे औषधीय और सभी प्रकार की औषधियों की सेल परचेज होती है, वहाँ पे ये बिकती है। खारी बावरी में इसका जो रेट है वो 800 रुपये किलो से लेके 1500 रुपये किलो तक ये बिक रही है फिलहाल। मिनिमम 800 रुपये और मैक्सिमम 1500 रुपये एक पर केजी।
ये इसका रेट है। और हाँ, इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, आलसी जो किसान है वो इसको ना बोएं, क्योंकि इसको छीलना तो ये काफ़ी समय लग जाता है, जिसमें लेबर को लेबर लगा के आप करोगे तो लेबर लेबर भी लगती है। और जो इसकी पैदावार है इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे आप एक एकड़ में एक क्विंटल के आसपास बीज लगता है इसका, और एक एकड़ की जो पैदावार है वो जितना बीज बोते हो उससे तीन गुना या इससे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि तीन क्विंटल तो आराम से निकल आती है तैयार। फिर वो छीलने के बाद आप बाज़ार में बेच सकते हो, इससे आपको काफ़ी मुनाफा होगा। और इस परंपरागत खेती से हटके हमें औषधीय पौधों की खेती करने पर बढ़ावा देना होगा, ताकि जो हमारी आय है वो बढ़ सके। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली ये है, इसको बोने के बाद आप इसमें कोई भी रासायनिक उर्वरक नहीं डाला जाता। इसके लिए जो गोबर की खाद है वो सबसे अच्छी होती है, कोई पेस्टिसाइड किसी तरह कोई छिड़काव कुछ भी नहीं करना होता। और इससे सिर्फ अपना खाद डालें, रासायनिक उर्वरक कोई भी ना दें, पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, 10 से 15 से 20 दिन में एक पानी देना होता है इसमें, और पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इसके लिए जो दोमट मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त है। इसको ऐसे छीलने के बाद बिक्री के लिए तैयार हो जाती है और ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन फर्स्ट टाइम में आप इसकी ज़्यादा बुआई ना करें, 2 बीघे आधा किला बस इतना ही बो के देखें, क्योंकि बीज भी काफ़ी कॉस्टली पड़ता है इसका। और छीलने के बाद इसकी जो बिक्री है वो भी 800 रुपये किलो से लेके 1500 रुपये किलो तक बिक जाती है। आप देख रहे होंगे वीडियो में, ये ऐसे छीली जाती है और आराम से जो छिलका ही उतर जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, खुदाई के टाइम पे ही छिलका उतरता है। यदि आप इसको खुदाई करने के बाद 10 दिन 15 दिन आप इसको छोड़ दोगे तो इसका छिलका नहीं उतरेगा। इसके लिए आपने पहले प्रबंध करना होगा छिलका उतारने का, जितनी आप ज़मीन से खोदो निकालो उतनी का ही छिलका साथ साथ उतार दो। ठीक है, धन्यवाद।